उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ये समझने में कि मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जो किसी भी लेनदेन के लिए दोनों पक्षों को स्वीकार्य है। ये समझने में कि किसी भी निश्चित समय पर कितना द्रव्य रोक कर रखना चाहिए, इस निर्णय के लिए द्रव्यता के लाभ और पूर्व निश्चित ब्याज को गंवाने के बीच सामंजस्य करने पर विचार करना पड़ता है। ये समझने में कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा के लेन देन की मांग अर्थव्यवस्था में किसी समय की इकाई में कुल लेन देन की मात्रा के एक अंश मात्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये जानने में कि जितनी बार एक मुद्रा की इकाई एक अवधि में एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है, उसे मुद्रा के संचरण की गति कहा जाता है। ये समझने में कि क्यों आमतौर पर ब्याज दर को अवसर लागत या शेष धन रखने का मूल्य माना जाता है। ये जानने में कि आरक्षित जमा अनुपात अर्थात RDR व्यावसायिक बैंकों द्वारा रखे जाने वाले कुल आरक्षित जमा का अनुपात है। ये जानने में कि किसी व्यक्ति की साख उसकी वर्तमान संपत्तियों या संपार्श्विक द्वारा तय की जाती है जिसे उसने ऋण चुकता करने की सुरक्षा के रूप गिरवी रखा है या रखने की पेशकश कर सकता है। ये जानने में कि मुद्रा गुणक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्तिशाली धन के स्टॉक में धन के स्टॉक का अनुपात है। ये जानने में कि गारंटी की प्रणाली सभी व्यक्तिगत खाताधारकों को आश्वस्त करती है कि संकट के समय पर उनके बैंक केंद्रीय बैंक की सहायता से उनके धन को वापस करने में सक्षम होंगे। ये समझने में कि RBI अर्थव्यवस्था में हाई पावर्ड मनी के स्टॉक को बढ़ाने या घटाने के प्रयास में सरकारी प्रतिभूतियों को सामान्य जनता को बिक्री या उनसे क्रय करता है। ये जानने में कि हाई पावर्ड मनी के स्टॉक में वृद्धि RBI की कुल देयता के बराबर होती है। ये जानने में कि RBI हाई पावर्ड मनी और कुल मुद्रा की आपूर्ति को अपरिवर्तित रखने के लिए अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा के प्रवाह की मात्रा के बराबर कैसे सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बिक्री करता है। मुद्रा की भूमिकाएं और प्रक्रियाएं। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रमुख भूमिका शायद लेनदेन की सुविधा के लिए विनिमय के एक माध्यम के रूप में कार्य करना है। मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, जिसमें एक दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सीधे विनिमय की आवश्यकता होती है। ये आवश्यक रूप से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को दूर कर देता है, क्योंकि इसे सभी द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विकल्पों के बावजूद सभी विनिमयों के लिए माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। मुद्रा लेखा की और मूल्य संचय की एक इकाई। लेखा की एक इकाई के रूप में मुद्रा विनिमय योग्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के एक सामान्य मापक के रूप में भी कार्य करती है। आपूर्तिकर्ता और क्रेता दोनों ही कीमतों के पैमाने पर वस्तुओं के मूल्यों के ज्ञान की सहायता से आपूर्ति और खरीद के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। विनिमय के एक भली भांति संतोषजनक माध्यम के रूप में
समय के साथ मुद्रा अनिवार्य रूप से अपना मूल्य बरकरार रखती है, इसलिए ये संचय मूल्य के रूप में भी कार्य करता है। इसके विपरीत, यदि मुद्रा में अधिक समय तक संचित रखने में सक्षमता न होती, तो विनिमय के दौरान इसके मूल्यवान होने के बावजूद भी दोहरे संयोग की आवश्यकता इसे इस प्रकार बाध्य कर देती कि इसे किसी भी प्रकार से विनिमय के माध्यम के रूप में रखा ही नहीं जा सकता था। विलंबित भुगतान के लिए मुद्रा एक मानक। मुद्रा विलंबित भुगतान के लिए मानक के रूप में भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए, भारत में रुपए को खाते की एक इकाई के रूप में आगे किए जाने वाले भुगतान या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। विश्व भर में मुद्रा को ऋणग्रस्तता को हटाने के लिए विलंबित या भविष्य में किए जाने वाले भुगतान के स्थायी माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। मुद्रा के आधार पर ही ऋण और भविष्य के लिए किसी भी प्रकार के अनुबंध किए जाते हैं। मुद्रा की मांग। द्रव्य या तरल संपत्तियों की परिभाषा। जिसे आप अपने स्वामित्व में रख सकते हैं, मुद्रा के रूप में सरलता से विनिमय कर सकते हैं, उसे द्रव्य संपत्ति कहा जाता है। संपदा के मामले में हमें उसके बाजार मूल्य के बराबर नकद मूल्य में परिवर्तित करने के लिए उसे बेचना पड़ता है। अचल संपत्ति या संपदा के मामले में यदि इसे समय से पहले बेचा जाए तो हानि उठानी पड़ सकती है। इसके विपरीत, हमारा धन जिसका बैंक खाते में हमने सीडी में निवेश किया है, उसे हम बिना किसी जटिलता के द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इन्हें द्रव्य संपत्तियां कहा जाता है। समव्यवहार के लिए मुद्रा रखने का उद्देश्य। हमें मुद्रा की आवश्यकता बहुत साधारण कारण से होती है, क्योंकि ये हमें आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं दिला सकती है। व्यय और मजदूरी या वेतन या आय की प्राप्ति के बीच एक अंतर रहता है। आय लेन देन में धन की मांग के प्राथमिक कारण के रूप में कार्य करती है। ये व्यवसाय के विभिन्न स्तर की गतिविधियों और आय प्राप्त करने के प्रकारों से भी प्रभावित होती है। संभाव्यता के लिए धन रखने का उद्देश्य। निवेशक या व्यापारी भविष्य में आने वाले सर्वोत्तम निवेश अवसर के लिए भी धन को रोक कर रखते हैं। अंततः एक निवेशक सदा ही अपने पोर्टफोलियो में एक समुचित राशि को द्रव्य के रूप में संचित करना चाहता है। सट्टे के प्रकार पर चर्चा करके हम ये दर्शा सकते हैं कि लोग अपने धन को बॉन्ड्स या द्रव्य शेष के रूप में भी रखते हैं। मूल रूप से ब्याज दरों में परिवर्तन की संभाव्यता लोगों को भविष्य की कार्यवाही के लिए बॉन्ड्स या नकद शेष के रूप में रखने हेतु प्रेरित करती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति। मांग जमा। हम कह सकते हैं कि मुद्रा करेंसी और सिक्कों के साथ मांग जमा भी है। इन्हें कई डिपॉजिटरी संस्थानों में खातों को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि वे सामान्य रूप से वाणिज्यिक बैंक ही हैं। जहां हम मुद्रा को उसके वास्तविक स्वरूप में ही मापते हैं, आधुनिक अर्थव्यवस्था में
आर्थिक लेनदेन के लिए कई प्रकार की वित्तीय संपत्तियां जो मुद्रा के ही कई रूपों में कार्य करती हैं मौजूद होने से ये बहुत जटिल हो गया है। फिएट मुद्रा और वैध मुद्रा। एक जींस होने के नाते फिएट मुद्रा का मुद्रा से कम मूल्य होता है। उदाहरण के लिए यदि मुद्रा ठोस सोने से बनी हो तो ये फिएट मुद्रा नहीं होगी। अर्थात इसका अर्थ है कि ये घोषणा का एक रूप है जिसे उन मामलों में देखा जा सकता है जहां सरकार ने एक राष्ट्रीय मुद्रा घोषित किया है ताकि उसे वैश्विक रूप से स्वीकृत विनिमय के माध्यम के रूप से मान्यता मिल सके। आम तौर पर किसी देश की सरकार देश के भीतर हर प्रकार के सार्वजनिक या निजी ऋण के भुगतान के लिए पूर्णतः स्वीकृत वैध मुद्रा के रूप में अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की घोषणा करती है। अंततः मुद्रा को एक ऋण के रूप में और मुद्रा की आपूर्ति को मुद्रीकरण के एक विशिष्ट रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम अपनी मांग जमा और मौद्रिक संपत्ति को उस धन के मुद्रीकृत रूप में देख सकते हैं। बैंक के परिप्रेक्ष्य में मांग जमा देता है और इस प्रकार ये एक ऋण होने के कारण खाता धारकों द्वारा अपना धन निकाले जाने के लिए भी उपलब्ध होना चाहिए। संकुचित और व्यापक मुद्रा। जिस गणना में M1/M0 मुद्रा का संकीर्णतम या सर्वाधिक सीमित रूप है और आर्थिक लेनदेन का आधार बन जाता है उसमें हम संकीर्ण या व्यापक मुद्रा की अवधारणा देख सकते हैं। आम तौर पर M1 या M0 मुद्रा के संकीर्ण रूप को दर्शाता है और M2 या M3 या M4 मुद्रा के व्यापक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। M4 मुद्रा के व्यापक आपूर्ति को दर्शाता है। व्यापक मुद्रा में कई प्रकार के जमा उन्मुखी खाते सम्मिलित होते हैं जो परिपक्व होने के लिए कम से कम 24 घंटे या अधिक का समय लेते हैं और इस प्रकार उन तक पहुंच सक्षम है। इन मामलों में एक विशिष्ट अवधि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनमें दीर्घकालिक अवधि की जमा पात्रता भी होती है। बैंकिंग व्यवस्था द्वारा मुद्रा का सृजन। मुद्रा जमा अनुपात, आरक्षित जमा अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। किसी व्यक्ति की नकद राशि और सुगमता से पहुंच वाले खाते में रखी हुई जमा राशि के बीच परस्पर संबंध मुद्रा जमा अनुपात को दर्शाता है। इस सूत्र को के रूप में संदर्भित किया जाता है। दूसरी ओर जमाकर्ताओं के शेष के अनुपात के साथ वो राशि जो बैंकों को नकदी के रूप में रखनी आवश्यक है आरक्षित अनुपात है। समय समय पर देश का केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक इस आवश्यकता को निर्धारित करता है। किसी भी दी गई समयावधि में रिजर्व अनुपात देश की मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करता है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नकद, स्वर्ण भंडार, शासकीय अनुमोदित सुरक्षा बॉन्ड्स के रूप में एक पृथक राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इस रिजर्व आवश्यकता को वैधानिक तरलता अनुपात SLR कहा जाता है।
बैंक साख के विस्तार को सीमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक इस अनुपात की दर को विभिन्न स्थितियों में निर्धारित करता है। बैंक दर और रेपो दर। देश में विभिन्न वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकों द्वारा उधार लेने और उधार देने की गतिविधियों के लिए रेपो दर और बैंक दर की गणना की जाती है। जिन दरों पर भारत का केंद्रीय बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, वो उधार दर है। हालांकि इन दोनों ही दरों का बाजार नकदी प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों की प्रकृति समान नहीं है। हाई पावर्ड मुद्रा और मुद्रा गुणक। मौद्रिक आधार में वृद्धि से बैंकों के ऋण देने के माध्यम से जमा की आपूर्ति में भारी वृद्धि होती है, इसलिए इसे हाई पावर्ड मुद्रा माना जाता है। एक आंशिक आरक्षित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा गुणक आमतौर पर देश में वाणिज्यिक और केंद्रीय बैंकों के बीच विभिन्न मौद्रिक अनुपात के बीच एक घनिष्ठ संबंध रखता है। मौद्रिक नीतियां और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की भूमिका। ऋण गतिविधियों से घाटे का वित्त पोषण। मुद्रा भंडार की कुल मात्रा सदैव अर्थव्यवस्था में हाई पावर्ड मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है, जिसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने जमा के अंशों को ऋण या निवेश साख के रूप में निर्मित किया जाता है। भारतीय संदर्भ में घाटे का वित्त पोषण बजटीय घाटे के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो अर्थव्यवस्था में मौजूदा मुद्रा आपूर्ति में नई मुद्रा का सृजन सुनिश्चित करता है। आर्थिक संकट के बिंदु पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों की ओर से ऋण राशि की गारंटी देता है और तदनुसार दिवालियापन सुनिश्चित होता है। फलस्वरूप इसे अर्थव्यवस्था में ऋणदाता के लिए अंतिम शरण माना जाता है। बजट घाटे की स्थिति में जब सरकार को नोट छापने की आवश्यकता होती है, तो आमतौर पर उस समय राजकोषीय चालान और शासकीय प्रतिभूतियां और बॉन्ड्स आरबीआई द्वारा रखे जाते हैं और उनके बदले में मुद्रा जारी की जाती है। मुद्रा का नया प्रवाह धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का घटक बन जाता है। खुले बाजार की क्रियाएं और अलग अलग रिजर्व की आवश्यकताएं। हाई पावर्ड मुद्रा की आपूर्ति और उसके मौद्रिक आधार को कम करने के लिए अपने स्वयं के स्वामित्व वाली विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों का उल्टे क्रम में खुले बाजार में बिक्री प्रारंभ कर सकता है। नकद रिजर्व अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात के विभिन्न मूल्य आरक्षित जमा अनुपात के मूल्यों में परिवर्तित होते रहते हैं, जो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा को बदल देते हैं। बैंक दर नीति और आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था को बाह्य आघातों से सुरक्षित करना। बैंक दरों में परिवर्तन से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेने के निर्णय प्रेरित होते हैं, जो बदले में अपने संसाधनों का बड़ा या छोटा भाग ऋण लेने वालों या निवेशकों को ऋण के रूप में दे देते हैं। आरबीआई के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है अर्थव्यवस्था को आकस्मिक बाह्य आघातों से सुरक्षित करना,
इस प्रक्रिया को स्थिरीकरण भी कहा जाता है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में लोग व्यापक रूप से दो उद्देश्यों से मुद्रा रखते हैं, समव्यवहार प्रयोजन और संभाव्यता प्रयोजन। मुद्रा खाते की एक इकाई और विनिमय के माध्यम के रूप में और अतिरिक्त मूल्यों के संचय के रूप में कार्य करती है। मुद्रा की आपूर्ति में करेंसी नोट और सिक्के और बैंकों द्वारा आयोजित मांग और आवधिक जमा सम्मिलित होते हैं, जिन्हें द्रव्यता के घटते क्रम के अनुसार संकुचित और व्यापक मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था में लेनदेन की मांग इकाई अवधि में अर्थव्यवस्था के कुल लेनदेन के अंश मात्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रतिस्पर्धी बाजार संपत्तियों की स्थिति के अंतर्गत बॉन्ड्स की कीमत सदैव इसके वर्तमान मूल्य संतुलन के बराबर होनी चाहिए। जितनी बार एक मुद्रा की इकाई एक अवधि की इकाई में जितने हाथों में से निकलती है उसे मुद्रा संचरण की गति कहा जाता है। ब्याज दर को आमतौर पर एक अवसर लागत या धनराशि रखने का मूल्य माना जाता है। मुद्रा जमा अनुपात CDR जनता द्वारा बैंक में जमा के रूप में रखी गई राशि का अनुपात है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कुल मांग समव्यवहार मांग और सट्टा मांग से बनती है। उच्च बैंक दर RBI से धन उधार लेना महंगा बना देती है और फलस्वरूप व्यावसायिक बैंकों को एक स्वस्थ आरक्षित जमा अनुपात RDR बनाए रखने हेतु प्रोत्साहित करती है। आरक्षित जमा अनुपात RDR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरक्षित रखे गए कुल जमा का अनुपात होता है। किसी व्यक्ति की साख को उसके वर्तमान संपत्तियों या संपार्श्विक से मापा जाता है, जिसे वो उधार चुकता करने के लिए सुरक्षा के रूप में गिरवी रखता है या रखने के लिए पेशकश कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण बॉन्ड्स या प्रतिभूतियों को प्राप्त करता है और उनके बदले में मुद्रा जारी करता है। मुद्रा गुणक अर्थव्यवस्था में हाई पावर्ड मनी के स्टॉक और मुद्रा के स्टॉक का अनुपात होता है। गारंटी की व्यवस्था सभी खाताधारकों को ये आश्वस्त करती है कि संकट की स्थिति में उनके बैंक केंद्रीय बैंक की सहायता से उनका धन वापस करने में सक्षम है। एक केंद्रीय बैंक के रूप में RBI अर्थव्यवस्था में हाई पावर्ड मनी के स्टॉक को घटाने या बढ़ाने के प्रयास में जनता को सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री या क्रय करता है। हाई पावर्ड मनी के स्टॉक में वृद्धि RBI की कुल देयता के बराबर होती है।